ओके सो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और आज हमने वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया है सुबह। अभी अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो आज जो टाइमिंग हो रहा है, यहाँ पर 1 मिनट, 7:43, अभी सुबह के 7 बज रहे गाइस। तो आज कुछ ऐसा वीडियो है गाइस कि हमें सुबह स्टार्ट कर दिया है शूट करना। अब देखो कब तक वीडियो शूट करते हैं। वैसे यह है रियलमी नार्जो N53, और आज हम इसी नार्जो N53 का बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं। देखेंगे स्मार्टफोन को दिन भर यूज करने के बाद ये स्मार्टफोन कितने टाइम का बैकअप दे देता है। अगर यहाँ पर मैं आपको शो करूँ, 8:09 हो गए, यहाँ पर स्मार्टफोन देखोगे 97% फुल चार्ज है। वैसे यहाँ पर मैंने 100% चार्ज किया था, अभी 3% उतर गया यूज करते करते। चलिए आज के इस वीडियो में इसे दिन भर यूज करते हैं, और हाँ, जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा इसे वापस से चार्ज करेंगे, देखेंगे चार्ज होने में कितना टाइम लगाता है। तो इस वीडियो में आपको बैटरी बैकअप और चार्जिंग टेस्ट को लेकर एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा। अगर यहाँ पर आप इस स्मार्टफोन को बाय करने के लिए सोच रहे हो तो इस वीडियो को देख लीजिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए थोड़ा यूजफुल हो सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रतीक, आप सभी देख रहे हो टेकटॉक। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर देना। और वैसे मैं एक चीज आपसे कहना नहीं चाहता था बट कह देता हूँ, आप लोग तो अपने हैं गाइस, हम 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो अगर हेल्प करना चाहते हो एक सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए यहाँ पर स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं गाइस। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर मैं मोबाइल के डाटा को ऑन करने वाला हूँ, क्योंकि जब हम डाटा को ऑन करके स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर मैंने डाटा को ऑन कर दिया है। और हाँ, मैं आपके साथ टाइम लैप्स जरूर शेयर करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, मैं स्मार्टफोन को यूज़ करता हूँ। सो गाइस, फाइनली हमने इस स्मार्टफोन को 4 घंटा कंटिन्यू यूज किया। और आप लोगों ने जो ये टाइम लैप्स देखा, मैंने टाइम लैप्स को बहुत ही फास्ट कर दिया था, इसलिए बहुत जल्दी टाइम लैप्स खत्म हो गया। अभी जो टाइमिंग देखोगे, यहाँ पर 12:20 हो रहे गाइस, और यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज है वो है 63%। और बाहर आप देखोगे, बाहर अभी बहुत ज्यादा धूप है, दोपहर का समय हो रहा है। चलिए अभी थोड़ा बहुत स्मार्टफोन को और यूज करते हैं। सो गाइस, अभी जो टाइमिंग हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बज गए हैं, और इस स्मार्टफोन को हमने 9 घंटा कंटिन्यू यूज़ किया। अभी जो टाइमिंग हो रहा है 5:01, और बैटरी परसेंटेज देखोगे 15% बैटरी बचा हुआ है। 9 घंटा कंटिन्यू यूज़ करने के बाद 15% बैटरी बचा है, और हमने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 15% बैटरी है, चलो थोड़ा बहुत गेमिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने गेम को स्टार्ट कर दिया है, चलो कंटिन्यू गेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने 45 मिनट के आसपास इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग किया, और यहाँ पर अभी बैटरी परसेंटेज देखोगे 6% पे बैटरी आ गया है, मतलब पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया है। 6% कुछ भी नहीं होता, 10-15 मिनट और यूज़ करूँगा, 10-15 मिनट भी नहीं, 10 मिनट भी यूज़ करूँगा, स्मार्टफोन पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब चलिए गाइस, इस स्मार्टफोन को वापस से चार्ज करते हैं। गाइस, ये रहा 33 वॉट का फास्ट चार्जर, यहाँ पर इसे प्लग इन कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। एंड यहाँ पर ये रहा हमारा स्मार्टफोन, यहाँ पर हम इसे चार्जिंग लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे स्मार्टफोन चार्ज होने लगा। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि यहाँ पर है हमारे पास टाइमर, यहाँ पर हम टाइमर को भी ऑन कर देते हैं।
1 hour later. तो गाइज यहाँ पर देखेंगे हमारा स्मार्टफोन 99% चार्ज हो चुका है और यहाँ पर मैंने टाइम को पॉज कर दिया है। यहाँ पर जो टाइम हो रहा है 1 घंटा 17 मिनट। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि इस स्मार्टफोन को हमने 6% से चार्ज करना स्टार्ट किया था और अभी देखोगे 100% चार्ज है और जो चार्ज करने में टाइम लगा वो टोटल 1 घंटा 17 मिनट का टाइम लगा। तो ये इसका चार्जिंग टाइम है और 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ मैंने चार्ज किया। ये 33 वॉट के फास्ट चार्जर के ही साथ आता है। तो गाइज यही थी एक छोटी सी वीडियो इस स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट के ऊपर। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, देखो अगर आप गेमिंग नहीं करते हो, एक बार दिन में इस स्मार्टफोन को चार्ज करोगे पूरे दिन इस स्मार्टफोन को आप यूज़ कर सकते हो। 10 से 11 घंटे का बैकअप आपको ये बड़े आराम से दे देता है। और इसी के साथ गाइस अगर आप इसे 0% से चार्ज करना स्टार्ट कर देते हो, मान लो आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो 1 घंटा 17 मिनट के अंदर ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाता है। तो गाइज यही थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। ये वीडियो शूट करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तो आप लाइक कर सकते हो। और हाँ हम 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज है, तो आप सब्सक्राइब करना चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही।